फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि कल्कि के मेकर्स इसके सिक्वल को भी लाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि कल्कि के दूसरे पार्ट का टाइटल कल्कि 3102 BC होने वाला है और कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग 2025 से स्टार्ट करेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इसके सिक्वल को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और वहीं कहा जा कि आने वाले कुछ दिनों में हमें कल्कि का एक टीजर देखने को मिलेगा जिसका रन टाइम 1:23 का होने वाला है। तो देखना होगा कि कल्कि का टीजर हमें कब तक देखने को मिलता है। आपको बता दें, कल्कि 2898 एडी एक साईफाई एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसमें हमें प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दुलकर सलमान जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और प्रभास की ये फिल्म हमें 9 मई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म कल्कि के बारे में? What is Project K? अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के टीजर को CBFC बोर्ड द्वारा UA का सर्टिफिकेट दिया गया है और वहीं इस टीजर का रन टाइम 1:41 का होने वाला है। अभी तक मेकर्स ने इसके टीजर की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां का टीजर हमें 22 जनवरी 2025 को देखने को मिल सकता है और कहा जा रहा है कि इसके बाद बड़े मियां छोटे मियां के मेकर्स इस फिल्म के टीजर को ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के साथ बड़े पर्दे पर दिखाने वाले हैं। तो देखना होगा कि बड़े मियां छोटे मियां के टीजर की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें, बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और ये फिल्म हमें ईद 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। धनुष की अनटाइटल फिल्म D51 जिसका वर्किंग टाइटल DNS रखा गया है, आज इस फिल्म की मुहूर्त पूजा को किया गया है और D51 के मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए कंफर्म कर दिया है कि आज से धनुष की इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें, D51 एक ड्रामा एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शेखर कामुला डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें धनुष के साथ नागा अर्जुन लीड रोल में देखने को मिलेंगे और वहीं रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में देखने को मिलेंगी। और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर जिम सरब इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे और धनुष की ये फिल्म हमें तमिल के साथ हिंदी और तेलुगु भाषा में देखने को मिलेगी। रामचरण की मच अवेटेड फिल्म गेम चेंजर से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू और डायरेक्टर शंकर अपनी इस फिल्म को गांधी जयंती अथवा दशहरे में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वहीं कहा जा रहा है कि रामचरण इस फिल्म की शूटिंग फरवरी के लास्ट तक कम्प्लीट कर लेंगे और मेकर्स इस फिल्म की पूरी शूटिंग मार्च 2024 तक कम्प्लीट कर लेंगे। आपको बता दें, गेम चेंजर एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें हमें रामचरण के साथ कियारा आडवाणी और SJ सूर्या जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और कहा जा रहा है कि गेम चेंजर में हमें रामचरण के डबल रोल देखने को मिलेंगे। तो रामचरण गेम चेंजर की शूटिंग फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद रामचरण अप्रैल 2024 से गुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म RC16 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखना होगा कि रामचरण की फिल्म गेम चेंजर की रिलीज डेट क्या होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे रामचरण और उनकी आने वाली फिल्म गेम चेंजर और RC16 के बारे में? और वहीं धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के भी तेलुगु वर्जन के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है और इसके तेलुगु वर्जन के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, कैप्टन मिलर का तेलुगु वर्जन हमें 25 जनवरी 2024 से सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें धनुष के साथ प्रियंका मोहन, संदीप किशन और शिवा राजकुमार जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें कैप्टन मिलर के तमिल, हिंदी और कन्नड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो कैप्टन मिलर ने अपने रिलीज के 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। तो क्या आपने धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर को देख लिया है? और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो हनुमान ने अपने रिलीज के 6वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी वर्जन से 11 करोड़ 34 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ हनुमान ने 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 93 करोड़ 10 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया।
किया है और वहीं हनुमान ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 37 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसी के साथ हनुमान ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ 10 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करें महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम की, तो गुंटूर कारम ने अपने रिलीज के 6वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 80 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ गुंटूर कारम ने 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ 75 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 119 करोड़ 60 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और वहीं गुंटूर कारम ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसी के साथ गुंटूर कारम ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 138 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस की, तो मैरी क्रिसमस ने अपने रिलीज के 6वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ मैरी क्रिसमस ने 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 83 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 16 करोड़ 65 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं मैरी क्रिसमस ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ मैरी क्रिसमस ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि इन तीनों फिल्मों का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।